Audio Jungle. कुशीनगर में शिक्षकों का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा, जहां कल कुशीनगर में 58 शिक्षकों ने प्रधानाध्यापक पद से सामूहिक इस्तीफा दिया। वहीं शिक्षकों ने एक समूह में अंग्रेजी माध्यम से नियुक्ति में हुई धांधली को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। बीते महीने कुशीनगर में हुई अंग्रेजी माध्यम की काउंसिल में धांधली को लेकर शिक्षकों ने काउंसलिंग का खुलकर बहिष्कार किया था, जहां एक महिला शिक्षकों ने गंभीर आरोप लगाते हुए जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा पैसे नहीं देने पर उनकी सीट अनैतिक तरीके से दूसरे को आवंटित करने की बात कही। बताते चले कि जिले में 158 अंग्रेजी माध्यम स्कूल और 644 शिक्षकों का चयन होना था, जिसमें 536 शिक्षकों ने आवेदन दिया था, जिसके बाद काउंसलिंग के बाद उनकी नियुक्ति होनी थी, लेकिन नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी न होने पर 455 में से केवल 227 शिक्षकों ने काउंसलिंग कराया और बाकी शिक्षकों ने विरोध करते हुए नियुक्ति प्रक्रिया का बहिष्कार कर दिया, जिसके बाद अपनी मांगों को लेकर इन शिक्षकों ने जिलाधिकारी, डायट प्राचार्य व मुख्यमंत्री कार्यालय तक पत्रक सौंपा और अब तक कोई कार्यवाही न होने से नाराज शिक्षकों ने बीएसए कार्यालय के बाहर बैठकर धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया। शिक्षकों की मांग है कि उनकी नियुक्ति शासनादेश के विपरीत की जा रही है, जिसे तत्काल निरस्त करते हुए शासनादेश के अनुरूप नियुक्ति की जाए। वहीं महिला शिक्षक का कहना था कि अगर जिले की काउंसलिंग नहीं निरस्त की जा रही है तो कम से कम हाटा ब्लॉक की काउंसलिंग प्रक्रिया, जिसमें लगातार धांधली कर नियुक्ति की गई है, उसे निरस्त किया जाए। महिला शिक्षकों ने कहा कि हमने लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी से गुहार लगाई है, उनके भी आदेश का जनपद के अधिकारी पालन नहीं करते। अब हम मजबूर होकर माननीय न्यायालय के पास अपनी बात रखेंगे ताकि हमें न्याय मिल सके। मेरी मांग यही है कि सर हाटा ब्लॉक की काउंसलिंग जो हुई है, सर पूरी तरह से उसमें धांधली हुई है। बस मेरी मांग इतनी है, हाटा ब्लॉक की काउंसलिंग फिर से कराई जाए। अगर ये नहीं करते हैं जनपद वार, हाटा ब्लॉक की काउंसलिंग कराएं। और मेरा जो मेरिट है, मेरिट नंबर 4 गर्ल्स जनरल मेरिट नंबर 4 है, उसी के हिसाब से हमको विद्यालय दिया जाए। हमको किसी से कुछ नहीं चाहिए, बस हमको मेरा हक चाहिए, मेरिट के हिसाब से हमको विद्यालय दिया जाए। हाटा ब्लॉक की काउंसलिंग रद्द करा के पुनः उसको कराया जाए। तो मांगे आपकी पूरी नहीं होती है, सर हमारी मांगे नहीं। सर देखिए सर, अपनी मांग के लिए हम अकेले लड़ रहे हैं। सर हर जगह गए हैं, मुख्यमंत्री दरबार तक गए हैं, बीएससी ऑफिस के चक्कर काट चुके हैं, जिलाधिकारी महोदय के पास जा चुके हैं, और सर 17 तारीख को गए थे मुख्यमंत्री जी के पास, व्यस्त कार्यक्रम था उनका, तो मुलाकात तो नहीं हुई हमारी, लेकिन हमने डाक से उनको प्रेषित किया था, अपनी समस्या से अवगत कराया था। वाली जो समस्या है, सर चाहते यही हैं कि हाटा ब्लॉक की काउंसलिंग फिर से करा दी जाए, रद्द करा के फिर से कराइए। और जो मेरिट है, मेरिट नंबर 4 गर्ल्स जनरल में मेरे 71 अंक के सापेक्ष जो मेरी मेरिट है, उस हिसाब से हमको विद्यालय चुनने का मौका दिया जाए। मुख्य मांग ये है कि अंग्रेजी मीडियम का जो नियुक्ति हुआ है उसमें शासनादेश को बिल्कुल पालन नहीं किया गया है, मनमाने तरीके से शासनादेश की व्याख्या की गई है, जिससे मेरिट अच्छे मेरिट वाले छात्र जो है अपने मनचाहे विद्यालय की नियुक्ति से वंचित रह गए हैं। उसको लेकर के ये धरना है, और अगर 2-4 दिन के अंदर इस मामले का निस्तारण नहीं किया गया तो बहुत जल्द ये मामला कोर्ट से लगाए विधानसभा तक पहुँचेगा, और शिक्षक समाज अंतिम प्रयास तक, अंतिम रक्त के अंतिम बूंद तक संघर्ष। कुशीनगर उत्तर प्रदेश से धर्मेंद्र कुमार कन्नौजिया की रिपोर्ट।